लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने एक नया थ्रेड बनाया और उस थ्रेड की हेल्प से हमने हमारे एक माय फ्रेम क्लास एब्स्ट्रैक्टर कॉल किया और न्यू थ्रेड में हमने एक फ्रेम को क्रिएट किया। तो इस वीडियो में हम एक और न्यू मेथड के बारे में देखेंगे। मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया हुआ है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जो क्लास हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपने देखा कि स्विंग यूटिलिटीज़ एक क्लास है। स्विंग यूटिलिटीज़ क्लास को मैंने ओपन किया। मैं इस स्विंग यूटिलिटीज़ क्लास को यहाँ पर देखेंगे आप जावा एक्स्ट्रा स्विंग में, ये क्लास है स्विंग यूटिलिटीज़। इसमें एक मेथड है स्टैटिक मेथड स्विंग यूटिलिटीज़ डॉट, आप देखेंगे इनवोक लेटर। हाँ, मैंने इसे स्क्रॉल किया तो आपने देखा ये स्टैटिक मेथड है स्विंग यूटिलिटी में, स्टैटिक मेथड है इनवोक लेटर। यहाँ पर ये देखिए इनवोक लेटर, तो इनवोक लेटर को एक रनेबल का ऑब्जेक्ट चाहिए, उस रनेबल का ऑब्जेक्ट चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कॉजेस डू रन डॉट रन टू बी एग्जीक्यूटेड असिंक्रोनसली ऑन AWT इवेंट स्पेस थ्रेड। तो हम देखते हैं इससे क्या होता है। मैं इस मेथड का यूज़ करूँगा। मैंने एक नया एग्जाम्पल बनाया डी डॉट जावा, मैंने क्लास डी बनाया, क्लास डी। मैंने इसमें एक मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पर हम कोड करने वाले हैं। तो मैं सी डॉट जावा से जो हमारी माई फ्रेम क्लास है मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो हमारा टाइम बचेगा। मैंने क्लास माई फ्रेम बनाई, इसमें जे फ्रेम की सब क्लास बनाया हुआ है, इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है सेट साइज सेट विजिबल एंड डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैंने इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखा इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग स्विंग डॉट जे फ्रेम, साथ ही इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्विंग यूटिलिटीज़। स्विंग यूटिलिटीज़ क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा स्विंग यूटिलिटीज़ क्लास में एक मेथड है इनवोक लेटर, हम उसे कॉल करेंगे चूँकि वो स्टैटिक मेथड है, डायरेक्टली हम इसे कॉल कर सकते हैं। तो मैंने कहा स्विंग यूटिलिटीज़ डॉट इनवोक लेटर कॉल किया। हमने देखा कि उसे एक रनेबल का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम यहाँ डायरेक्टली यहीं पर एक इनर क्लास बनाना चाहेंगे। तो मैंने कहा न्यू रनेबल, मैंने एक इनर क्लास बनाई, मुझे रन मेथड को ओवरराइड करना है। उनका पब्लिक वॉइड रन, और इसमें हम इस माई फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो मैंने न्यू माई फ्रेम कंस्ट्रक्टर कॉल किया और अब हम इस यहाँ पर मैंने सेमीकोलन, और अब हम इस एग्जांपल को ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा जावा सी डी डॉट जावा, मैंने जावा सी डी डॉट जावा कंपाइल किया सक्सेसफुली कंपाइल, मैंने डी क्लास को रन किया। तो आपने देखा एक फ्रेम बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ रन के अंदर। तो मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनसाइड रन, ओके इनसाइड रन, और एक मेन मेथड में कर देता हूँ। तो मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनसाइड मेन, ठीक। मैंने कंपाइल किया सेमीकोलन कंपाइल किया और जावा डी मैंने रन किया। तो आपने देखा इनसाइड मेन इनसाइड रन, और ये जो है हमारा जो फ्रेम है वो रन कर तैयार हुआ। तो हुआ क्या कि जैसे ही हमने स्विंग यूटिलिटीज़ और इनवोक लेटर कॉल किया, ये ऑटोमेटिकली एक नया थ्रेड बनाता है और उस थ्रेड में और ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। हमें थ्रेड बनाने की और थ्रेड को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इस चीज़ को हैंडल करता है। तो हम एक बार देखते हैं न्यू थ्रेड बनता है नहीं तो, हम इसलिए यहाँ पर थ्रेड को प्रिंट करा कर देखेंगे। हमने यहाँ पर किया थ्रेड क्लास में एक स्टैटिक मेथड है थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, करेंट थ्रेड ये रिटर्न करता है करेंट थ्रेड। तो हम डायरेक्टली इसे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन,
और थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड मैंने यहाँ पर किया, और मैंने जावा सी जी डॉट जावा जावा डी रन किया, तो आपने देखा कि थ्रेड ए डब्ल्यू टी इवेंट 0.6, तो आपने देखा कि एक नया थ्रेड बनकर तैयार हुआ। हम एक बार मेन मेथड में भी इसी स्टेटमेंट को लिखते हैं। मेन मेथड में मैंने इस स्टेटमेंट को लिखा और अब हम इसे दोबारा कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो आपने देखा कि थ्रेड मेन, ये मेन थ्रेड था और ये हमारा जो न्यू थ्रेड ऑटोमेटिकली इंटरनली क्रिएट हो रहा है वो है। तो हमने देखा कि स्विंग इनवोक लेटर, स्विंग यूटिलिटीज की जो मेथड इनवोक लेटर वो कैसे काम करती है, तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं।